हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान पर बड़ा एहसान किया है। समंदर में लुटेरों की गिरफ्त में फंसे 23 पाकिस्तानी मछुआरों के लिए भारतीय नेवी देवदूत बनकर के पहुंची। करीब 12 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद नौसेना ने जाबाजों को जाबाजी दिखाती हुई और ईरानी जहाज और उस पर सवार पाकिस्तानियों को लुटेरों से उनके चंगुल से आजाद कराया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के इस एहसान को याद रखेगा? रिपोर्ट देखिए। समंदर की लहरों पर दुनिया ने देखा भारत का दम। पाकिस्तानियों के लिए देवदूत बनी भारतीय नौसेना। ऑपरेशन संकल्प से सोमालियाई लुटेरों की शाम। ये समंदर में हिंदुस्तान की बढ़ती धमक की तस्वीरें हैं। ये भारतीय नौसेना के जाबाज सिकंदर के शौर्य की गवाही है। ये हिंदुस्तान के महासागर का महाबली बनने की हुंकार है। समंदर की लहरों पर सोमालियाई लुटेरों की हिमाकत पर हिंदुस्तान के शूरवीरों ने एक बार फिर प्रचंड प्रहार किया है, जिसके आगे लुटेरों की एक नहीं चली। न तो वो जहाज लूटने में कामयाब हो सके और न ही उस पर सवार मछुआरों को अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए अगवाही कर पाए। लुटेरों के इरादों की भनक लगते ही नौसेना के सिकंदर फौरन मदद के लिए पहुंचे और एक बार फिर से पाकिस्तान के करीब 2 दर्जन मछुआरों की जान बचाई। जी हां, चौंकिए मत, ये मछुआरे पाकिस्तानी ही हैं जिन्हें हिंदुस्तान के शूरवीरों ने उफनती लहरों और संगीनों के साए से मुक्त कराया है। महाशक्ति बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा हिंदुस्तान अपने दुश्मनों पर भी एहसान कर रहा है। तभी तो उसने एक ऐसे मुल्क के लोगों की जान की हिफाजत की जिसकी बुनियाद ही हिंदुस्तान के विरोध में रखी गई थी, जो दिन रात भारत की तबाही की साजिश रचता है, जिसकी सेना से लेकर खुफिया एजेंसी तक भारत विरोधी चालें चलती हैं, जिसके हुक्मरानों का हर दाव हिंदुस्तान के खिलाफ होता है। पाकिस्तानी सेना और कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI भारत में खून खराबे के लिए आतंकी फैक्ट्री चलाती है, जिससे पैदा हुए दहशतगर्द कई बार हिंदुस्तान को दहला चुके हैं। दहशतगर्दी फैलाने वाले पाकिस्तान से भारत ने बेशक दूरी बना रखी है, उसके हुक्मरानों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, उस मुल्क के साथ कारोबारी रिश्ते भी ठप हैं। लेकिन जब बात मानवता की आई, जब हिंदुस्तान ने आम पाकिस्तानी को मुश्किल में देखा, जब समंदर की लहरों के बीचों बीच मुसीबत में घिरे पाकिस्तानियों ने भारत से मदद की गुहार लगाई, हिंदुस्तान ने फौरन न सिर्फ मदद का हाथ बढ़ाया बल्कि उन्हें मुसीबत से भी सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमलों से हर पल बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस बीच सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने मालवाहक जहाजों और मछली पकड़ने वाले नौकाओं पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी हमले की जद में एक ईरानी जहाज आ गया। लुटेरों के गैंग ने उस पर कब्जा कर लिया। जहाज पर सवार मछुआरों ने इंडियन नेवी से मदद मांगी। हालात से निपटने पहुंचे भारतीय युद्धपोत ने करीब 12 घंटे तक बचाव अभियान चलाया और उन सभी को आजाद करा लिया। भारतीय नौसेना के मुताबिक ईरान के मछली पकड़ने वाले जहाज अल कामबार 786 पर 9 हथियारबंद लुटेरों ने सोकोत्रा के पास कब्जा कर लिया था। अरब सागर में अगवा जहाज के चालक दलों में 23 पाकिस्तानी शामिल थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद नौसेना ने युद्धपोत INS सुमेधा को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किया। साथ ही गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS त्रिशूल को भी मदद के लिए भेजा। करीब 12 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद भारतीय नौसेना ने इन लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। चालक दल के सभी 23 पाकिस्तानी सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया है। भारतीय नौसेना की विशेषज्ञ टीमें मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज की गहन जांच कर रही हैं। जहाज का कोना कोना खंगाला जा रहा है ताकि उसे लुटेरों की तरफ से छुपाए गए हथियार या बम से कोई नुकसान न पहुंचे। भारत की जो नेवी है उसने अपनी 10 से 11 शिप भेजी हुई हैं स्पेशली अरेबियन सी में, तो जो भी शिप के ऊपर हमला होता है और जो पायरेट्स उसको पकड़ते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई समुद्र में कोई बचाव करने के लिए जो शिप्स जाते हैं वो भारत की नेवी की हैं, और भारत की नेवी ने कम से कम 10 से 15 ऐसे ऑपरेशन कर लिए जहाँ पर उन्होंने या तो पायरेट्स या जहाँ पर ड्रोन्स का हमला होने वाला है उनको बचाया है, जो नेवल शिप्स हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक नौसेना की ये कार्रवाई ताज़ा भू राजनीतिक हालात को देखते हुए काफी अहम है। समंदर में हिंदुस्तान का बढ़ता दबदबा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में चीन ने हिंद महासागर के कई देशों में आधारभूत ढांचे को लेकर बड़ी डील की है। इसमें श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और जिबूती शामिल हैं।
जिबूती में तो चीन ने कुछ साल पहले अपना मिलिट्री बेस भी बना लिया था, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई थी। अब भारत इससे पार पाने में कामयाब होता नजर आ रहा है, साथ ही वैश्विक जिम्मेदारी निभाकर खुद को बड़ी ताकत के रूप में भी स्थापित कर रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में निकला है और फर्स्ट रिस्पोंडर है जब भी किसी शिप को कोई भी अगर जरूरत पड़ती है। तो ये सच्चाई है। आज की तारीख में जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डन है अमेरिका का लॉन्च किया हुआ, वो भी ये कार्रवाई नहीं कर पा रही जो कि 10 से 12 कंट्रीज का है, जो भारत की नेवी कर पा रही है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से परेशान पाकिस्तान को अमेरिका से राहत मिलती नजर आ रही है। ये सुकून पाकिस्तान में नई हुकूमत की ताजपोशी के बाद मिली है। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शहबाज शरीफ को एक चिट्ठी लिखी है और उन्हें हर मदद का भरोसा दिलाया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी भी पाकिस्तान मदद के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहा है, तो दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।